बिहार में नई सरकार के गठन के लिए एनडीए की रविवार दोपहर 12:30 बजे को होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। आपको बता दें, प्रेम कुमार के इस पद के लिए दावेदारी करने से मामला उलझने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने कहा है कि वो 50 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे स्वीकार करेंगे। आपको यहां बता दें कि प्रेम कुमार लगातार 8वीं बार गया विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। तो वहीं पिछली सरकार में प्रेम कुमार कृषि जैसा अहम मंत्रालय संभाल रहे थे, तो इस बार बीजेपी में उप मुख्यमंत्री के कई और दावेदार हैं। बिहार में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के गठन को लेकर रविवार को बैठक होने वाली है। तो वहीं विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। तो उनके इस पद के लिए दावेदारी करने से मामला उलझने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इससे मामला भी उलझता जा रहा है, क्योंकि बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी के एक और नेता हैं कामेश्वर चौपाल, उनका नाम भी सामने आया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे। अब सुशील मोदी भी इसी रेस में है, साथ ही साथ कामेश्वर चौपाल के साथ अब तीसरा नाम प्रेम कुमार, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उनका नाम भी जुड़ गया है। तो ऐसे में अब सरकार किसे चुनेगी बिहार का उप मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात होगी। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।